कूमा का पंच सैटर्न का लगाया फिर नहीं, न्यू चैप्टर 1104 के स्पॉयलर्स में रिवील हो गया है। लूफी के पंच के बाद अगेन कूमा ने हम लोगों को एक और सेटिस्फाइड और वन ऑफ द बेस्ट पंच इन वन पीस दे दिया है। इन स्पॉयलर्स में रिवील हो चुका है कि ये पंच सैटर्न के लगा है और इतना जोर से लगा है कि उससे सैटर्न की एक टांग साइड टूट चुकी है। सो ये चैप्टर का टाइटल है थैंक्स डैड, जिसे पढ़ के ऐसा लग रहा है कि शायद कूमा मरने वाला है, क्योंकि चैप्टर के स्टार्टिंग में हम कूमा का पंच सैटर्न के ऊपर सक्सेसफुली लैंड होते हुए देखते हैं, जिससे सैटर्न का एक लिंब या कहें तो एक ये केकड़े की टांग टूट जाती है। और ऐसा होते हुए देख सभी शौक हो जाते हैं, पर एक चीज, जिन लोगों को देव मानुष लग रहा था वो बिल्कुल भी नहीं है। उसने लूफी को खाना दिया, वो भी सैटर्न के खिलाफ जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। जैसे कि किजारू रिकवर हुआ, वैसे ही उसने फिर से स्ट्रॉ हैट्स पे अटैक करना शुरू कर दिया। पर अब सैटर्न के डिसरप्ट होने से स्ट्रॉ हैट्स फिर से मूवमेंट कर पा रहे हैं, जिससे वो अगेन फाइटिंग के लिए रेडी हो जाते हैं। बट ये खुशी का माहौल सिर्फ थोड़ी देर तक का था, क्योंकि सैटर्न चचा फिर से अपना वो टूटा हुआ बॉडी पार्ट रिकवर कर लेता है। मतलब रिकवर क्या, वो फिर से नया ही ग्रो हो चुका है, जिससे हमें मालूम पड़ता है कि सैटर्न के पास बहुत तगड़ी रीजनरेशन की पावर भी है। मतलब भाई बवाल होने वाला है अपकमिंग चैप्टर्स में। और खुशी की बात तो ये है कि नेक्स्ट वीक कोई ब्रेक वगैरह भी नहीं है। सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट दिस सिचुएशन। जिस तरह चैप्टर का टाइटल है थैंक्स डैड, मुझे लगता है सैटर्न फिर से रिकवर होने के बाद कूमा को मार ही देगा। और मे बी ये सीन होगा कि पहले तो सैटर्न कूमा पे अटैक्स करेगा, जिससे वो बिल्कुल मरने वाला होगा, पर जब उसके मरने के लिए सिर्फ एक अटैक बचा है, वैसे ही हम देखेंगे लूफी विद गियर 5। एंड आल्सो आई एम नॉट श्योर अबाउट कि कूमा मरने ही वाला है, बट कूमा की मौत यहाँ होने से बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ सकता है। और मे बी ड्रैगन अपीयर हो जाए तो भाई मजा ही आ जाए, और या फिर ब्लैक बियर्ड भी तो यहीं पे आ रहा है। सो लेट्स सी, देखते हैं क्या होता है अगले चैप्टर में। सो ये थे 1104 के स्पॉयलर्स, एंड आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। तो कर लो लाइक और सब्सक्राइब ऐसी और अमेजिंग वीडियोस के लिए।